नमस्कार मेरा नाम है शालिनी और मेरी आपसे जो बात हो रही है वो टारगेट विद बतालो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही है आज हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि भारत में काफ़ी सेंसिटिव है भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं उनमें से जैसे अगर हम बात करें सेक्स या सेक्शुअल प्रेफरेंसेस की तो उनके बारे में बात करने में हम शाय फील करते हैं वी आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट सेक्शुअलिटी एनी बडी या कोई पूछता है तो भी हम उस पर बात नहीं करते हैं तो उनमें से आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो एल कम्युनिटी के बारे में है होता क्या है कि हम बाकी जैसे कि हम जो भी लोग हेट्रोसेक्शुअल हैं वो हम सब आपस में जो हैं जानते हैं बहुत नॉर्मल है जनरली हम देख सकते हैं पार्क में आप सिनेमा हॉल्स में कि फॉर वॉट हेटो सेक्शुअलिटी फॉर बट अगर आप होमोसेक्शुअलिटी की बात करें एल की बात करें तो उसके बारे में क्या है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते यहाँ तक कि हम इतने अनअवेयर हैं कि एल टर्म के बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरे टर्म को एक्सप्लेन कर पाते हैं मतलब हम अनअवेयर हैं टर्म से ही बहुत ज़्यादा हम जानते हैं तो अच्छा गे होते हैं कुछ गे होते हैं कुछ लेसबियन होते हैं बट एग्जैक्टली exactly इस टर्म के बारे में जो है वो हम एक्सप्लेन कर नहीं कर पाते हैं या कभी कभी हम करने से बचते भी हैं बहुत लोगों को पता होता है कोई पूछता है तो वो बताते ही नहीं शाये फील करते हैं आगे हम ये जो चार्ट है वो यही दर्शाने के लिए एल कम्युनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है मैंने अगर हम बात करते हैं सेक्स की तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं एक मेल और एक फ़ीमेल तीसरे जेंडर के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं लेकिन आजकल आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर एक अलग कॉलम प्रोवाइड किया गया है जो कि एक अच्छी शुरुआत के तौर पर भी हम देख सकते हैं आगे हम बात करते हैं सेक्स या जेंडर की अगर हम बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं एक हेट्रोसेक्सुअलिटी एक होमोसेक्सुअलिटी अगर आप हेट्रोसेक्शुअलिटी की बात करें तो उसमें मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड होता है इनफेचुएट होता है या आकर्षित होता है कुछ भी कह लें या फीमेल मेल के प्रति आकर्षित होती है इनफेचुएट होती है जो भी आप कहें जो कि बहुत ही कॉमन फिनमिना है हमारी सोसाइटी में हम इसे आसानी से देख सकते हैं दूसरा अगर हम आगे बढ़ें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो इसके टर्म जो हैं वो थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड हैं कंपैरेटिवली जैसे अगर हम लेस्बियन की बात करें तो जो लेस्बियन होती हैं वो फीमेल जब फ़ीमेल के प्रति अट्रैक्टिव फ़ील करती है अट्रैक्टेड फ़ील करती इनफेचुएट फ़ील करती है या मतलब ज़्यादा लगाव महसूस करती है काइंड kind ऑफ of, तो उसे लेस्बियन कहते हैं बायोलॉजिकली पूरी तरह फ़िट होती है एलेसबियन अगर ये चाहें तो अपना ऑफ स्प्रिंग जो है दे आर कम्प्लीटली बायोलॉजिकली फिट टू रिप्रोड्यूस दे आर ऑन ऑन ऑफ स्प्रिंग आप ये देख सकते हैं लेस्बियन जो हैं उनके एनाटॉमी में कोई डिफरेंस नहीं होता है बिल्कुल वैसे ही लड़की दिखेगी जैसे आपको नॉर्मल लड़कियां दिखती हैं बट इनके जो चॉइसेस होते हैं मतलब इनको लड़के अच्छे नहीं लगते हैं बेसिकली इनको कोई इन्फेचुएशन नहीं होता है लड़कों से इनको जो अट्रैक्शन होता है वो लड़कों से लड़कियों से ही होता है मतलब एक लड़की को जब लड़की से सेक्शुअल अट्रैक्शन या फीलिंग आए सेक्शुअलिटी की फीलिंग आए तो उसे क्या कहते हैं उसे लेस्बियन कहते हैं ऐसे लोगों को जिनका सेक्सुअल प्रेफरेंस सेम होता है तो अब हाँ आगे बात करेंगे गे की जब एक मेल दूसरे मेल की तरफ ज़्यादा लगाव अलग तरीके का लगाव जो है जाहिर करे तो उसे गे कहते हैं मतलब इनको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं होता लड़कियों में आ, बिल्कुल ये कोई अट्रैक्शन फील नहीं करते कोई इन्फेचुएशन फील नहीं करते हैं किसी लड़की के प्रति मतलब जब एक लड़का दूसरे लड़के से सेक्शुअल संबंध स्थापित करना चाहता है तो वो क्या है गे की श्रेणी में आता है अब तीसरी हम बात करेंगे बाई सेक्शुअलिटी की बाई सेक्शुअलिटी जो है ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है इनकी सोच काफ़ी ब्रॉड लगती है मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि मेल जो है ये इनको दोनों की तरफ अट्रैक्शन फील होता है मेल से भी फीमेल से भी दे आर कंफर्टेबल विथ बोथ एंड सेम बाईसेक्सुअल जो है वो कोई वुमेन भी हो सकती है वो भी किसी मेल और फीमेल दोनों के प्रति जब इन्फेचुएटेड फील करती है तो ऐसे लोग क्या करते हैं बाई की श्रेणी में आते हैं आजकल अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बाई सेक्शुअल हैं और अब क्योंकि आधिकारिक तौर पर एल कम्युनिटी को मान्यता मिल गई है तो अभी बहुत सारे लोग भी सामने आ रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से के हैं नाम मैं नहीं ले रही हूँ जो कि अपने जो सेक्शुअल प्रेफ्रेंसेज हैं वो खुलकर जाहिर कर रहे हैं अच्छी बात है हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी ये लेस्बियन गे बाइसेक्शुअल तीनों लोग एनाटोमिकली पूरी तरीके से फिट होते हैं टू रिप्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड बट आप खुद समझ सकते हैं जब इनकी पहली सीढ़ी मतलब उनको कोई कुछ अच्छा फील ही नहीं होता है कुछ तो फिर आगे क्या ही बात होगी आप समझ सकते हैं तो बट हाँ मतलब भगवान की तरफ से दे आर कंप्लीटली बायोलिकली फिट इनकी बॉडी बिल्कुल वैसी होती है जैसे लेस्बियन में लड़की बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह दिखेगी आ, हुआर हैट्रोसेशुअल गे में लड़का बिल्कुल नॉर्मल लड़के की तरीके से दिखेगा और बाई में भी इसमें मेल फीमेल बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं हम लोगों जैसे नॉर्मल कहने का ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो लोग लेसबियन गे या बाई की श्रेणी में आते हैं वो अब नॉर्मल हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है बट मैंटली मतलब ज़्यादा लोग कम होते हैं जो लोग होमोसेक्चुअलिटी uh, में आते हैं तो इस टर्म में मैं इनको अलग डिफाइन कर रही हूँ आगे बात करती हूँ मैं ट्रांसजेंडर uh, और इंटरसेक्स के इंटरसेक्स uh, के बारे में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो इन दोनों के बीच में होती है ट्रांसजेंडर जो होते हैं बेसिकली बायोलॉजिकली ये अनफिट होते हैं दे आर नॉट फिट टू रिप्रोड्यूस देफ स्प्रिंग मतलब जो अगर मेल है फीमेल है तो इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं और आप इंटरसेक्स की अगर बात करेंगे तो बाईबॉन क्या होता है कि इनमें दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं जैसे कि मेल पेनिस और विजाइना दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी एनाटॉमी या बाइनरी के हिसाब से डॉक्टर चाइल्ड में डिसाइड करते हैं कि उनको कौन से ऑर्गन के साथ जाना है मतलब कि वो चाइल्ड में एनाटॉमी चेक करते हैं जैसे भी करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर मुझे नहीं पता है बट चाइल्ड में अगर एनाटॉमी उनको उसका बाइनरी सिमिलर दिखता है ज़्यादा फीमेल से तो वो बेजाइना के साथ रखते हैं चाइल्ड को आ, और पेनिस को ऑपरेशन से बाहर कर देते हैं या वॉइस और सा आप बात कर सकते हैं सेम अगर आ लड़की में या बच्चे में फीमेल के कैरेक्टर दिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि पेनिस को बाहर निकाल देते हैं मेल के कैरेक्टर दिखते हैं तो वजाइना को बाहर कर देते हैं इसके बारे में एक बाहर मतलब आगे जो है ब्रॉड सेक्टर है जो कि पूरी तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ जाता है तो जितना नॉर्मल टर्म था वो ये था आगे हम बात करेंगे बॉलीवुड मूवीज की जो होमोसेक्सुअलिटी के के ऊपर बेस्ड करके बनाई है देखिए बेसिकली ये बताने का मेरा ये मतलब था कि हम उन्हीं चीजों को आजकल एक्सेप्ट कर पाते हैं जिन चीजों जो चीज़ें हमसे मिलती जुलती हैं हमारे मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर जो चीज़ें सिमिलर हमें दिखती हैं तो हम उनमें ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करने से घबराते हैं जिस चीज़ के बारे में हम फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि बेसिक क्या है अगर आप देखेंगे अपने सराउंडिंग में तो जो बेस है वो पूरी तरीके से इमोशन है अगर लोग देखिए घर में कुत्ता पालते हैं उसके साथ इमोशन होता है आप मैक्सिमम लोग आप उनके जो बिहेवियर है उनको देख लेते हैं गाय पालते हैं उनके बिहेवियर को भी आप रीड कर लेते हैं या वो भी आपके बिहेवियर को रीड कर लेते हैं तो इस अर्थ पे मेल फीमेल के अलावा अगर आ, अगर दूसरी कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है आप उस इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस इमोशन के लिए मुझे लगता है फिल्में ये इमोशन जानने के लिए फिल्म में बहुत बेस्ट मीडियम है इवन कभी कभी आपको खुद को जानने में भी फिल्म जो है वो बहुत अच्छा योगदान देती है तो आई विल रिकमेंड कि आप मूवीज़ देख सकते हैं किसी भी भाषा की देखिए मलयालम बॉलीवुड कन्नड़ किसी भी भाषा में देखिए अगर फिल्म देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमोशनली खुद को कनेक्ट कर पाएंगे बहुत सारे इमोशन ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं बट उनके नाम हमें नहीं आते तो इस चीज में आपको थोड़ा और एक साफ इमेज आपके माइंड में बन पाएगी जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा स्टार बाय सोनम कपूर एंड राजकुमार राव ये मूवी क्योंकि राजकुमार राव और सोनम कपूर हैं तो राजकुमार राव इज नोन फॉर देर फॉर हिज एक्टिंग तो आप जा सकते हैं इस मूवी के लिए अलीगढ़ अलीगढ़ ट्रू इंसिडेंट पर आधारित है तो आई विल रिकमेंड कि आप बेस्ट एक्टिंग अगर देखने के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं इस मूवी को देखने अलीगढ़ बहुत ही अच्छी मूवी है सेम विथ मार्गरीटा विथ अस्ट्रॉ कल की क्वेश्चन इज बेस्ट ऑन फायर अगर आप बेहतरीन शानदार एक्टिंग देखना चाहते हैं तो यू कैन गो विथ मार्गरीटा विथ अ इस्ट्रॉ यकीन मानिए आपका टाइम अच्छे से कट जाएगा ये एक ऐसी लड़की की जो कहानी है वो पूरा तो नहीं बताऊंगी लेकिन जो पैरलाइज है और होमो होमोसेक्शुअल है इवन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सेक्सुअली अपनी खुद की मदर के प्रति ब्लेंडेड फील करती है तो आप देखेंगे तो आई गेस आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी तीसरा बॉम्बे टॉकीज मल्टी स्टारर मूवी है बट फ्लॉप मूवी है हम सभी जानते हैं लेकिन अगर आप होमोसेक्सुअलिटी को देखना चाहते हैं तो लाइट्स उसमें डाली गई हैं बॉम्बे टॉपीज दोस्ताना कपूर एंड सनस हिट मूवीज है बहुत सारे लोगों में से हमने देखी है अगर किसी ने नहीं देखी आपको ड्रामा एंटरटेनमेंट देखना पसंद है तो बिल्कुल आप इस मूवी के लिए जा सकते हैं ये माई ब्रदर निखिल ये जो मूवी है बेसिकली ये इसमें दो मुद्दे उठाए गए हैं एक बंदा है जो एच पॉजिटिव है और होमोसेक्सुअल भी है तो ये जो दोनों सीन हैं दोनों एक वो एच पॉजिटिव है इसलिए हो, क्योंकि होमोसेक्सुअल है ऐसी कोई सीन नहीं है ये दोनों ही अलग बातें हैं तो उसको मिलाना नहीं है दोनों इमोशन के जो कॉम्प्लिकेशन है उनके साथ कैसे डील है कैसा एक सिस्टर का कंसर्न है आप ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सीरियस टॉपिक देखने के आप इंटरेस्ट में हैं तो माय ब्रदर निखिल के लिए जा सकते हैं एंड फायर फायर में नंदिदा नंदिता दास और शबाना आजमी आर नोन फॉर देयर एक्टिंग आप जा सकते हैं फायर के साथ अगर हम बात कर रहे हैं मूवीज के बारे में हो गई सारी बातें आपसे फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जानना जानना ये ज़रूरी है कि ये मुद्दे ओपनली तब आने लगे हमारे भारत में जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को क्रिमिनल लेयर से बाहर कर दिया धारा सौ धारा तीन से बाहर कर दिया जिसके तहत क्या था कि होमोसेक्सुअलिटी को अप्राकृतिक आप्र, अननेचुरल सेक्स के तौर पर देखा जा रहा था जिसको आ, मतलब जो भी अगर इस के अंदर पाया जाता है उसको दस साल की सज़ा मतलब जेल के तौर पर दी जा सकती थी जो कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड डिसीज़न दे दिया है कि भारत में होमोसेक्सुअलिटी जो है बिल्कुल आ, आउट ऑफ क्रिमिनल लेयर है आगे हम बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में हम इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम 2020 में हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले से हैं हमारी ऐसी सोच है कि आज के ज़माने में हम बहुत मॉडर्न हैं बहुत ज़्यादा ओपन हैं बट आई फील लिटिल डिफरेंट ओपनली आई फील लिटिल डिफरेंट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जो चीज़ें हमारे जैसी नहीं दिखती हम उनके जैसे नहीं दिखते हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इसके बहुत सारे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज के साथ क्या होता है लोग बोलते हैं कि वो चलती नहीं अरे भैया जब सपोर्ट नहीं करेंगे कोई लड़का वाला उधर से खींच रहा है लड़की वाले इधर से खींच रहे कैसे चलेगी क्योंकि एक एक इमोशन को भी सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं मुझे लगता है कि इंटर कास्ट मैरिज जो ब्रेक होती है उनके पीछे उन दो लोगों का हाथ से ज्यादा बाकी लोगों का हाथ होता है वो सराउंडिंग इतनी ज्यादा हावी हो जाती है वो रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे सीन देखने में आते हैं लोग एग्जाम्पल देते हैं कि लव मैरिज करोगे ना फेल हो जाएगी फेल नहीं फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो होती हैं रिलेशन में आप अलग स्ट्रगल करने लगते हैं क्योंकि आपके बाकी रिलेशन आपके साथ होते हैं और जो आपको खींचते होते हैं आपको सपोर्ट नहीं करते उस रिलेशन को निभाने के लिए आई फील लिटिल डिफरेंट बट अगर आप होमोसेक्सुअलिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये होमोसेक्सुअलिटी कोई नया फिन नहीं है जो हम नए दौर में देख रहे हैं ये फिनमेना मुगल काल से चला आ रहा है जिसके कुछ आ, मतलब फैक्ट है मिलते हैं जैसे बाबर के बारे में हम बात करेंगे बाबर जो है वो हेट्रोसेक्सुअल था बाबर के बारे में हम सब जानते हैं कि कितनी सारी बीवियाँ थी कितने बच्चे थे बट उनका उन्होंने उनका जो बाबर नामों वाला संस्करण था उसमें उन्होंने ओपनली बिना किसी शर्म के बिना किसी झिझक के अपनी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया था उन्होंने उसमें ये ये दर्शाया है अपने दुख को दर्शाया है कि कैसे वो बाबरी नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करते होते हैं बहुत उनका लगाव होता है जबकि राजनीतिक उलझनों के चक्कर में कैसे ब्रेकअप होता है और किस वो तकलीफ से गुजरते हैं वो सब उन्होंने खुलेआम ज़ाहिर किया है खुलेआम जाहिर करने को कब ये सीन तब बनती है जब आप कंफर्ट होता है आपको आपको पता है कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग तब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो बाबर इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने ओपनली अपने सेक्शुअल प्रेफरेंसेस के बारे में बाबर रामा में लिखा हुआ है आगे हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे जहाँ नारा बेगम के बारे में जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं जहां नारा बेगम के बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी कभी नहीं हो पाती है उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि इनके अपने पिता के साथ ही सेक्सुअल रिलेशन थे और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नारा बेगम जो है वो हच सेक्सुअल थी और उनका एक दासी से इतना ज़्यादा लगाव था कि नृत्य करते समय दासी दासी के कपड़ों में आग लग जाती है उनको बचाते बचाते जहाँ नारा बेगम घायल हो जाती है बुरी तरीके से जिनके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी दिनों तक नहीं जाते हैं और उनको ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है लेकिन उस दासी से उनका ये इस, इस, इस इंसिडेंट के बारे में के बाद जो है जहानारा बेगम को जाना जाता है कि मतलब होट्रोसेक्शुअलिटी में मतलब उनका नाम लिया जाता है लोग जानने लगे थे उनका दासियों के प्रति कैसा प्रेम था उनमें से एक दासी ऐसी थी जिसको बचाने के लिए वो इस हद गई थी कि आग में कूद गई थी इसको बचाने के लिए जहा बेगम और बाबर जहां आरा बेगम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे अगर आप उस समय ख्वाजा सरा के बारे में आपने सुना होगा ख्वाजा सरा वो होते थे मुगल के जमाने में जिनको किसी पनिशमेंट के तौर पर उनके सेक्शुअल ऑर्गन काट दिए जाते थे या कुछ भी काइंड ऑफ तो उनके भी सेक्शुअल रिलेशन होते थे महिलाओं के साथ में या महिलाएं हैं तो पुरुष के साथ में बेसिकली पुरुषों के सेक्सुअल ऑर्गन काट दिए जाते थे जिन्हें ख्वाजा सारा कहा जाता था मुगल काल में और इन लोगों के महिलाओं के साथ संबंध होते थे ऐसा कहा जाता था कि मुगल काल में जो है पितृसत्तात्मकता इतनी हावी थी कि महिलाएं जो है अपनी सेक्सुअल इच्छाएं जो है वो बुरी तरह से जाहिर नहीं कर पाती थी जिसका ये परिणाम था कि वो जिन बारे में आज के दौर में कहा जाता है कि वो अननेचुरल है या बाकी चीज़ें हैं तो वो आपस में सेक्सुअल रिलेशन फॉर्म करती थी ख्वाजा सराओं के साथ उनके सेक्शुअल रिलेशंस होते थे और क्योंकि ये भी कहने सुनने में आता है कि ख्वाजा सरा के सामने वो बिना कपड़ों के रह सकते थे तीसरा एक केस के बारे में बात करूंगी मैं सरमद जो कि यहूदी रब्बी था मतलब इसे मौत की सज़ा तक सुनाई जाती थी हाँ हाँ लेकिन ये जो सज़ा है इसका जो बेस है वो होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नहीं होता है जैसे आप समझ पाएंगे इस स्टोरी के बाद कि कैसे होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल भी एक डार्क स्पॉट नहीं था मुगल काल में लोग एक्सेप्टेबल थे इसके साथ में दे आर ओके विद डैट कि हो सकता है देर इज़ नथिंग अन उनका ऐसा मानना था सरमत के बारे में बताऊंगी ये यहूदी रब्बी था जो कि दारा शिको के अंदर में काम करता था तो ये, 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 ये यहूदी रब्बी जो है बाद में बोला ये भी जाता है कि इस, इसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था और एक हिंदू व्यक्ति के प्यार में ये इतना पागल हो गया था कि वो बिना कपड़ों के घूमता था और बेसिकली इसको जो है मतलब पागल आधा कलमा पड़ता था बिना कपड़ों के घूमता था Uh, हालांकि मृत्युदंड देने की की वजह ये नहीं थी 1660 सौ साठ में इसे मृत्युदंड दिया गया था जिसकी वजह ये बिल्कुल भी नहीं थी वजह ये थी कि इसने कहा था ला इलाही जिसका मतलब होता है भगवान का ना होना मतलब नास्तिक होने की वजह से जो इसने फरमान अपने बारे में जाहिर किया था जिसकी वजह से इसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है अभी जितनी स्टोरीज हम रेपअप कर पाए हैं आपके सामने ले आए हैं आगे अगर आपको लगता है कि किसी भी ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं तो हम उस टॉपिक पर पूरे एंड कॉन्स लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू